हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में शुरू करते हैं मई महीने के बेस्ट 200 क्वेश्चन का भाग एक, जिसमें मैं एक से लेके और 14 मई तक के जो बेस्ट क्वेश्चन है 100 वो कवर करूंगा, और जो अगला भाग आएगा उसमें मैं 15 से लेके 31 तक के क्वेश्चन कवर करूंगा, और ये आएगा इस महीने की 31 तारीख की रात को। ये वो सीरीज़ है जिसमें मैं सबसे उत्कृष्ट प्रश्न जो एग्ज़ाम में जिनके आने की प्रोबेबिलिटी है वो कवर करता हूँ। इसमें स्क्रीन पर लिखी हुई लैंग्वेज होती है इंग्लिश और एक्सप्लेनेशन होती है हिंदी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं 200 बेस्ट क्वेश्चन मई भाग एक। मैं आपको बता दूं, StudyIQ के पेनड्राइव कोर्स आते हैं जिनसे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी शुरू करना चाहते हैं। अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyiq.com। सबसे पहले आज की बात करते हैं, यानी IPL की। अभी खत्म हुआ है IPL, तो IPL में ऑरेंज कैप किसे मिला है? ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को मिलता है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। ये खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर। सो ऑरेंज कैप मिला है डेविड वार्नर को सनराइजर्स हैदराबाद के। पर्पल कैप उसको मिलता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं इमरान ताहिर ने, ये चेन्नई सुपर किंग के हैं। मैन ऑफ द सीरीज रहे आंड्रे रसल, इसको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी बोला जाता है, ये कोलकाता नाइट राइडर के हैं। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है शुभम गिल, जो कोलकाता नाइट राइडर के हैं। और आज तक के IPL के इतिहास में सबसे सफल विकेटकीपर बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। इन्होंने 132 डिसमिसल किए हैं। इन्होंने दिनेश कार्तिक का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 131 बैट्समैन को आउट किया था। IPL की जो स्पॉन्सर टीम है वो है वीवो। इनमें से LIC जो ITC है, ITC का चेयरमैन नया कौन बना है? क्योंकि इससे पहले चेयरमैन थे YC देवेश्वर, तो ये याद रखिए ITC कंपनी के चेयरमैन YC देवेश्वर की डेथ हो गई, नए बने हैं मिस्टर संजीव पुरी। सो मिस्टर संजीव पुरी जो हैं ये नए चेयरमैन बने हैं ITC के। इनमें से कौन सा आतंकवादी संगठन है जिसने ये कहा है कि भारत में हमने अपना एक प्रांत बना लिया है, एक प्रोविंस बना लिया है, जिसका नाम है विलाया ऑफ हिंद। विलाया ऑफ हिंद ये क्लेम किया है इस्लामिक स्टेट ने, और जो श्रीलंका में एस्टर के दिन आतंकवादी हमले हुए थे वो भी करवाए थे इस्लामिक स्टेट ने। एक बात याद रखिए, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स ये वो आतंकवादी संगठन है जिसे भारत ने बैन कर दिया है, और मौलाना मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद का सरगना है इसको यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। अभी अभी हैवी स्नोफॉल की वजह से सिक्किम के कौन से हिस्से में 300 से ज़्यादा यैक जो हैं स्टारवेशन की वजह से मर गए? ये एरिया है नॉर्थ सिक्किम। नॉर्थ सिक्किम, सिक्किम में जो न्यू ईयर है उसे बोलते हैं लूसुंग, और सिक्किम में बैचुंग भूटिया यहाँ के एक फेमस फुटबॉल खिलाड़ी थे, इनकी पार्टी का नाम है हमरो सिक्किम। यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री हैं पवन चैमलिंग, और पवन चैमलिंग भारत के किसी भी राज्य के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, ये भी याद रखिए। सिक्किम ने एक स्कीम भी लॉन्च करी है जिसका नाम है वन फैमिली वन जॉब। वन फैमिली वन जॉब। इनमें से केरला का सबसे बड़ा टेंपल फेस्टिवल कौन सा है जो स्टार्ट हुआ 12 मई 2019 को? इसका नाम है थ्रिसुर पूरम। थ्रिसुर पूरम जिस मंदिर में शुरू हुआ है उस मंदिर का नाम है वडक्कुनाथन। वडक्कुनाथन। और एक चीज़ और याद रखिए, विशु, विशु बोलते हैं केरला में न्यू ईयर को, केरला का न्यू ईयर उसको बोलते हैं विशु। केरला के बारे में एक दो चीज़ याद रखिए, केरला में एक नया एयरपोर्ट बना है कन्नूर में, और केरला की गवर्नमेंट जो है उन्होंने प्रवासी डिविडेंड पेंशन स्कीम स्टार्ट करी है, NRIs के लिए करी है, प्रवासी डिविडेंड पेंशन स्कीम। केरला का एक गुड है जिसे बोलते हैं मारायूर जैगरी, जैगरी मतलब गुड, इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, और ये वहाँ पे इदुक्की में खाया जाता है। केरला के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। पाकिस्तान को कितनी आर्थिक सहायता मिली है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से? पाकिस्तान को मिली है $6 अरब, $6 बिलियन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान की एक महिला है जो न्यूज़ में आई जिनका नाम है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी जो है ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी है, ठीक है, फर्स्ट हिंदू महिला जज बनी है पाकिस्तान की सुमन कुमारी। और पाकिस्तान की एक और वकील है जिनका नाम है आसमा जहांगीर। आसमा जहांगीर को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार मिला है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स प्राइज मिला है। और सिरिल अल्मेडा है, सिरिल अल्मेडा को मिला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो अवार्ड। सिरिल अल्मेडा, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, और पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान के बीच में बन रहा है,
जो भारत के पंजाब में जो गुरदासपुर है वहाँ पे डेरा बाबा नानक, उसे पाकिस्तान के जो करतारपुर में डेरा है उससे जोड़ेगा। 4 किलोमीटर लंबा रास्ता होगा ये रावी नदी के ऊपर से। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की जो चीफ हैं उनका नाम है क्रिस्टीन लागार्डे और ये फ्रांस की हैं, और गीता गोपीनाथ जो भारत की इकोनॉमिस्ट हैं ये चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इस वक्त IMF की। इनमें से कौन सा फुटबॉल क्लब है जिसने इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल जीत लिया है? इंग्लिश प्रीमियर लीग को जीता मैनचेस्टर सिटी ने। और अगर पूछे इटालियन लीग को किसने जीता, इटालियन लीग को सेरे आ कहा जाता है, इसको जीता है यूवेंटस ने, यूवेंटस। और अगर पूछे स्पेनिश लीग को किसने जीता, इसको ला लीगा कहा जाता है, इसको जीता है बार्सिलोना ने। कौन सी फीमेल क्रिकेटर है जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली स्पिन बॉलर बन गई वनडे में? बात हो रही है फीमेल क्रिकेटर की, इनका नाम है सना मीर और ये पाकिस्तान की हैं। अभी अभी पहली वुमेन्स क्रिकेट मैगजीन लॉन्च हुई है जिसका नाम है क्रिक जोन, इसके कवर पे हैं स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना। और सबसे ज्यादा विकेट आज तक लिए हैं वनडे में फीमेल में झूलन गोस्वामी ने, झूलन गोस्वामी नादिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल की है। इंटरनेशनल नर्सिस डे कब मनाया गया? इंटरनेशनल नर्सिस डे होता है 12 मई को और इंटरनेशनल मिडवाइव्स डे होता है 5 मई को, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर मिडवाइफ डे पूछे तो 5 मई और नर्सिस डे पूछे तो 12 मई। 12 मई को बर्थडे होता है फ्लोरेंस नाइटिंगल का और उसी को इंटरनेशनल नर्सिस डे के रूप में मनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगल। कौन सा कंट्री है जिसने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन शुरू करी है जिसका नाम है अल्फा एक्स? इसकी स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है, यह शुरू करी है जापान ने। जापान और इंडिया के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, एक का नाम है शिन यूयू मैत्री और दूसरी है धर्मा गार्डियन जो मिजोरम में हुई थी, धर्मा गार्डियन। इनमें से तीसरे इंडियन खिलाड़ी कौन बने जिन्होंने 150 विकेट लिए IPL में? ठीक है, पहले दो थे पीयूष चावला और अमित मिश्रा और तीसरे बने हैं हरभजन सिंह, हरभजन सिंह। इनमें से भारतीय जो फुटबॉल टीम है उसका कोच कौन बना है नया, इनका नाम आपको बताना है। इनका नाम है इगोर स्टिमाक और ये क्रोएशिया के कोच हैं। एक बात याद रखिए, भारत के की जो फुटबॉल फेडरेशन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF, इसके चीफ है प्रफुल्ल पटेल और प्रफुल्ल पटेल पहले व्यक्ति हैं जो फीफा के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में गए हैं। फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में और अगला फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा कतर में 2022 में, कतर। भारत का सबसे पहला आइस कैफे ये अभी अभी खुला है गया विलेज में, जम्मू कश्मीर में। तो ये कहाँ पे है गया विलेज? 14,000 फीट की ऊंचाई पे खुला है आइस कैफे, ये है लद्दाख में, लद्दाख। इनमें से कौन सा बॉलीवुड एक्टर है जिसकी एक नॉवल आएगी अभी जिसका नाम है दोपहरी? दोपहरी को लिखा है पंकज कपूर ने। इनमें से कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का मेंबर बनने वाला इंडियन कौन है? अभी अभी इंडिया से कौन बना है मेंबर CSAT का, कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल? इनका नाम है KS राधाकृष्णन और कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया है अभी अभी मालदीव्स ने, पहले छोड़ दिया था 2016 में पर अभी दोबारा ज्वाइन कर लिया है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले। मेना मंगल, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, ये एक पत्रकार थी कौन से कंट्री की? ये थी अफगानिस्तान की जर्नलिस्ट, इनकी डेथ हुई काबुल में। इनमें से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट कौन बना है? ये नाइजीरिया के हैं, इनका नाम है तिजानी मोहम्मद बंदे, तिजानी मोहम्मद बंदे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर आएगा। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा और यूनाइटेड नेशंस जो है इसके चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये पोर्चुगल के हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया गया? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मई के सेकेंड सैटरडे को होता है और अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को होता है। तो मई का सेकंड सैटरडे कब है इस बार? 11 मई। तो आंसर है 11 मई। इसका थीम था बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दो रेल के इंजन 1600 हॉर्स पावर क्षमता के अभी अभी कौन से कंट्री को दिए? यह कंट्री है नेपाल। और नेपाल और भारत के बीच में पहली ट्रेन चलेगी, बिहार में एक जगह है जयनगर, वहां से लेके नेपाल के कुर्था तक, कुर्था धानुसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है नेपाल के, जयनगर से कुर्था तक चलेगी भारत और नेपाल के बीच पहली ट्रेन। और कोंकण एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और UK के बीच में। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया?
ये 11 मई को मनाया गया, ये वो दिन है जब हमने पोखरण में टेस्ट किए थे और हम न्यूक्लियर कंट्री बने थे, तो उस दिन को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। 2019 का मैकेन इंस्टीट्यूट अवार्ड किसे मिला है? फॉर करेज एंड लीडरशिप। ये अवार्ड मिला है छाया शर्मा को। ये वो आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने निर्भया केस को सॉल्व किया था, छाया शर्मा। एक अवार्ड और याद रखिए, जो मलाला यूसुफजाई को मिला है अभी अभी, इनका बर्थडे 12 जुलाई को होता है जिसे मलाला डे के रूप में मनाते हैं। मलाला यूसुफजाई पाकिस्तान की है, नोबेल पीस प्राइज विनर है, और मलाला यूसुफजाई को मिला है ग्लिट्स मैन प्राइज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका ये कौन से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? ये हाईकोर्ट है कर्नाटका हाईकोर्ट, ये कर्नाटका हाईकोर्ट के 31वें चीफ जस्टिस बने हैं। इनमें से कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने बान आउल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है रोडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए? यानी इस यूनियन टेरिटरी में चूहे जो है बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो अब ये आउल का इस्तेमाल करेंगे, उल्लू का इस्तेमाल करेंगे जिससे इनकी संख्या कम हो जाए, क्योंकि आउल जो है वो रैट को खा जाता है। ये स्टार्ट करा है लक्षद्वीप ने, लक्षद्वीप ने। और अगर पूछे भारत का पहला आउल फेस्टिवल कहां पे हुआ था, तो आंसर है पुणे। अगर पूछे भारत का पहला भालू फेस्टिवल यानी बियर फेस्टिवल कहां हुआ था, तो आंसर है आगरा। और भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल कहां खुला है अभी अभी, तो आंसर है मथुरा। भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल खुला है मथुरा में। और भारत का पहला अरेक्नेरियम, अरेक्नेरियम मतलब जहां मकड़ियां रखी जाती है, मकड़ालय, ये बना है जबलपुर में, जबलपुर। और भारत का पहला इंसेक्ट म्यूजियम कहां बना है, तो आंसर है कोयम्बटूर, अभी अभी बना है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहां बना है, तो उसका आंसर है पौंडेचेरी। और भारत का पहला म्यूजिक म्यूजियम अभी अभी कहां बना है, तो आंसर है तमिलनाडु। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने डेंगू के खिलाफ एक दवाई बनाई है, डेंगवैक्सिया? डेंगवैक्सिया पहली मेडिसिन है दुनिया में जो बनी है डेंगू के खिलाफ, इसको अमेरिका ने बनाया है, यूनाइटेड स्टेट्स। भारतीय वायुसेना जो है उन्होंने अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे हैं कौन से कंट्री से? अपाचे, रोमियो हेलीकॉप्टर और चिनुक हेलीकॉप्टर, ये तीनों खरीदे हैं अमेरिका से। क्रिक जोन नाम की मैगजीन छपी है, ये वुमेन्स क्रिकेट मैगजीन है, इसके कवर पे है स्मृति मंधाना। ये कहां छपी है? ये जयपुर में छपी है, पिंक सिटी जयपुर, राजस्थान की कैपिटल। रोशन तनेजा का निधन हो गया, ये फेमस क्या थे? ये एक्टिंग सिखाते थे बॉलीवुड के सितारों को, तो ये एक्टिंग ट्रेनर थे। भारत का 62वां ग्रैंड मास्टर अभी अभी बना है स्वयंस मिश्रा, उड़ीसा का। याद रखिए सबसे लेटेस्ट, चेस की बात हो रही है तो लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर जो बना है वो है स्वयंस मिश्रा। और 61st ग्रैंड मास्टर बना था इनियन पनीर सेल्वम, ये तमिलनाडु का है। 60th ग्रैंड मास्टर था डी कुकेश, ये भी तमिलनाडु का है। और 59th ग्रैंड मास्टर एनआर विशाक, ये भी तमिलनाडु का है। इस वक्त जो चेस चैंपियन है वो है मैग्नस कार्लसन और वो है नॉर्वे का। एप्पल कंपनी भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर खोल रही है, कहां खोल रही है? पहला रिटेल स्टोर एप्पल खोल रही है मुंबई में। और एप्पल ने आईफोन 7 बनाना स्टार्ट करा इसी साल बैंगलोर में, तो आईफोन 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली है बैंगलोर में। एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक। कौन सी एयरलाइन है जिसने दुनिया की पहली जीरो वेस्ट फ्लाइट शुरू करी है? जीरो वेस्ट फ्लाइट शुरू करी है ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन, जिसको बोलते हैं कैंटस। और एतिहाद ने सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरलाइन अभी उड़ाई थी, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री शुरू करी थी एतिहाद ने, और कैंटस ने शुरू करी है जीरो वेस्ट फ्लाइट। इंडियन आर्मी 2019 को किस रूप में मनाएगी? इंडियन आर्मी मनाएगी इसे ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन, ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन। हमारे आर्मी चीफ हैं बिपिन रावत, और बिपिन रावत को अमेरिका ने हॉल ऑफ फेम में जगह दी थी, हॉल ऑफ फेम। और जो हमारे आर्मी के पूर्व चीफ हैं दलबीर सुहाग, वो बने हैं सेशल्स कंट्री के नए एम्बेसडर, सेशल्स जो हमें अजम्पशन आइलैंड देगा जिसकी कैपिटल है विक्टोरिया। इनमें से ब्लू मून प्रोजेक्ट किसने शुरू करा है? ब्लू मून प्रोजेक्ट शुरू करा है ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी ने, यह स्पेस एजेंसी है जेफ बेजोस की, जो अमेजोन के मालिक हैं। और अमेजोन ने प्रोजेक्ट क्विपर भी अभी अभी स्टार्ट किया है। भारत का पहला ग्लोबल मेगा साइंस एग्जीबिशन विज्ञान समागम ये कौन से शहर में हुआ? विज्ञान समागम आयोजित किया गया मुंबई में, मुंबई। कौन से कंट्री का सेंट्रल बैंक है जिसने $50 के नोट को छापने में गलती की, रेस्पॉन्सिबिलिटी की स्पेलिंग उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिख दी, और ऐसा उन्होंने बहुत सारे नोट छापे? ये है ऑस्ट्रेलिया का रिजर्व बैंक, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी कंपनी इफको, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव का चेयरमैन कौन बना है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर बलविंदर सिंह नकई। WHO ने जो ट्रांस फैट होते हैं खाने से उनको निकालने के लिए डेडलाइन क्या रखी है?
इसके लिए उन्होंने IFBA के साथ पार्टनरशिप करी है। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस आधानोम है इथोपिया के। ये डेडलाइन है 2023। भारत का पहला UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बही खाता ये किसने शुरू करा है व्यापारियों के लिए? इसको स्टार्ट करा है कंपनी ने जिसका नाम है भारत पे। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कौन सी ब्रिटेन की खिलौने की कंपनी को खरीद लिया है? खिलौना बनाने वाली कंपनी है हेमले, तो हेमले को खरीद लिया है रिलायंस ने अभी। मंकी पॉक्स वायरस इसका पहला केस कौन से कंट्री में रिपोर्ट हुआ? इसका केस रिपोर्ट हुआ सिंगापुर में। सो आंसर है सिंगापुर। इनमें से कौन सा कंट्री है जो दूसरा कंट्री बना जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी लगा दी? पहला कंट्री था ब्रिटेन, याद रखिए पहला कंट्री था ब्रिटेन, और दूसरा कंट्री बना आयरलैंड। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, और एक कंट्री और है जिसका नाम है नॉर्थ आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल है बेलफास्ट। इनमें से कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए एडवोकेट बनाया है यूनाइटेड नेशंस ने? SDG एडवोकेट बनाया है मिस एशिया पैसिफिक, जिनका नाम है दिया मिर्जा। और अगर पूछे यूनिसेफ का यूथ एडवोकेट किसे बनाया है, तो ये भी इंडियन है, इनका नाम है नाहिद आफरीन को बनाया है यूनिसेफ यूथ एडवोकेट, और नाहिद आफरीन है असम की सिंगर। अगर पूछे कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो आंसर है 17। किस राज्य की स्टेट पुलिस है जिन्होंने पहली बार एक एंटी नक्सल वुमेन्स कमांडो यूनिट शुरू करी है? नक्सलवाद से निपटने के लिए महिलाओं की टीम बनाई है, ये बनाई है अभी छत्तीसगढ़ ने। यहां पे एक और एंटी नक्सल फोर्स चलती है जिसका नाम है ब्लैक पैंथर। और याद रखिए सुप्रीम कोर्ट के जो दो नए जज बने हैं वो हैं झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस और गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस AS बोपन्ना। ये बने हैं सुप्रीम कोर्ट के नए दो जज। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रंजन गगोई, ये भारत के 46 चीफ जस्टिस हैं और ये असम से हैं। IIT बॉम्बे के जो वैज्ञानिक हैं, जो इंजीनियर हैं, उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर तैयार किया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा है अजीत। और IIT मद्रास के जो इंजीनियर हैं, उन्होंने जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया है उसका नाम है शक्ति। तो शक्ति बनाया है IIT मद्रास ने, ये भी माइक्रो प्रोसेसर है, और अजीत बनाया है IIT बॉम्बे ने, ये भी माइक्रो प्रोसेसर है। 9 मई 2019 को महाराणा प्रताप जी की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई? ये थी इनकी 479th बर्थ एनिवर्सरी, 479वीं। रिउटर्स के दो पत्रकार वालोन और क्याओ सो ओ, इनको 500 दिन तक जेल में रखा कौन से देश ने? ये देश है म्यांमार। रोहिंग्यास के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया इन्होंने, और इसीलिए इन दोनों को मिला है अभी गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। गिलर्मो कानो प्राइज जो है पत्रकारिता के लिए सबसे उत्कृष्ट माना जाता है, तो गिलर्मो कानो प्राइज जो है इन दोनों को मिला है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी कंपनी है जिसने अनाउंस करा है कि वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करेगी वर्ल्ड कप के लिए? ये है अमूल। अमूल ने अभी कैमल मिल्क भी लॉन्च करा है, ये इन्होंने गुजरात में लॉन्च किया है, और अमूल बनाई थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने, जिन्हें भारत का फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया गया? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो है ये 7 तारीख को मनाया गया, 7 मई को। और जो IAAF है यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इनका हेडक्वार्टर है मोनेको। और ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का है लॉजैन में, और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन का है म्यूनिक जो जर्मनी में। रविंद्रनाथ टैगोर जी की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई 8 मई 2019 को? ये थी इनकी 158वीं बर्थ एनिवर्सरी, और इसको बोलते हैं पोचिस बॉयसॉक। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसको सेलिब्रेट किया जाता है पोचिस बॉयसॉक के रूप में। इनमें से INCB यानी इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में कौन सी भारतीय हैं जो 5 साल के लिए दोबारा सिलेक्ट हो गई हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम है जगजीत पवाड़िया। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का थीम क्या था इस बार? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है ये हर साल 8 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, इस बार इसका थीम था लव। इनमें से ऑर्डर ऑफ सेंट जॉर्ज केरला चर्च ने यह अवार्ड किसे दिया है? यह दिया है श्री श्री रविशंकर को, ये आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हैं।
और ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज एपोस्टल, ये अवार्ड मिला था प्रधानमंत्री मोदी को, ये रशिया का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है। पर्पल फ्रॉग, ये कौन सा स्टेट डिक्लेयर कर सकता है अपना स्टेट एम्फीबियन, यानी राज्य का उभयचर, पर्पल फ्रॉग को डिक्लेयर करेगा स्टेट एम्फीबियन केरला। और केरला की एक मछली है जिसे बोलते हैं महासीर, इसे हम बैक महासीर बोलते हैं, इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित करा गया है और इसका साइंटिफिक नेम है तौर रैमे देवी। ये कावेरी का टाइगर भी बोलते हैं इसे और ये कर्नाटक में भी पाई जाती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो सड़कें बनाती है बॉर्डर पर और माउंटेन्स पर, इसका कौन सा रेजिंग डे था 7 मई 2019 को, ये था इनका 59th रेजिंग डे। और जो नेशनल हाईवे भारत में बनाता है वो है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न लीगल एजुकेशन, भारत में जो विधि जो एजुकेशन है लीगल एजुकेशन, उसका जनक किसे बोला जाता है। इन ये एक्सपायर हो गए अभी, इनका नाम था एन आर माधव मेनन, जो नेशनल लॉ स्कूल है बेंगलुरु में वो इन्होंने शुरू किया था। वर्ल्ड एस्थमा डे, ये कब ऑब्जर्व किया गया, ये था 7 मई को था वर्ल्ड एस्थमा डे। कई बार वर्ल्ड एड्स डे भी पूछते हैं तो वो 1 दिसंबर को होता है, और इस बार इसका थीम क्या था 2018 में 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे का, नो योर स्टेटस, अपनी स्थिति जानिए, नो योर स्टेटस। बाऊबाऊ सीसे, ये कौन से कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये बने हैं माली के नए प्राइम मिनिस्टर, माली। एक कंट्री है अफ्रीका की बुरुंडी, जिसने अपनी कैपिटल चेंज कर दी, पहले कैपिटल थी डुजुम्बुरा और बाद में कर दी गिटैगा, सो गिटैगा नई कैपिटल है बुरुंडी की। बांग्लादेश और इंडिया, ये बांग्लादेश का फादर बोलते हैं जिसे, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनकी लाइफ पे मिलके फिल्म बनाएंगे, इसको डायरेक्ट कौन करेगा, इसको डायरेक्ट करेंगे श्याम बेनेगल। और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है शेख हसीना, जो बांग्लादेश की इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं। इनमें से कौन सा कंट्री है जो आर्कटिक काउंसिल में एक पर्यवेक्षक के रूप में, यानी ऑब्जर्वर के रूप में री इलेक्ट हो गया है, ये कंट्री है इंडिया। इंडिया री इलेक्ट हो गया है और इंडिया हेड बन गया है किम्बरले प्रोसेस का भी, किम्बरले प्रोसेस जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेड भी बन गया इंडिया 1 जनवरी 2019 से। इंडिया G20 समिट को होस्ट करेगा 2022 में, और इंडिया के कहने पे इंटरनेशनल मिलेट डे, इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर किया गया है 2023, और इंडिया गेस्ट ऑफ ऑनर होगा आबू धाबी बुक फेयर 2019 में। कौन से कंट्री में दो पार्टी है, मधेसी पार्टी और नया शक्ति पार्टी, इन्होंने मिलकर एक तीसरी पार्टी बना दी है, ठीक है, और उसका नाम रखा है समाजवादी पार्टी, तो ये कंट्री है नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। CSIR, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, इन्होंने कौन सी जगह पे जेनेटिक स्टडी करी है पहली बार, ये लक्षद्वीप में की गई है। लक्षद्वीप की कैपिटल है कावाराती, और लक्षद्वीप में एक आइलैंड भी है जिसको बोलते हैं मिनी कॉय। KVIC, खादी विलेज ग्राम उद्योग जो है, उन्होंने 1 लाख से ज्यादा मधुमक्खियों के जो बॉक्सेस हैं वो फार्मर में डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है, जिसे फार्मर अपनी इनकम बढ़ा सकें। मधुमक्खी पालन को एपिकल्चर कहा जाता है, ठीक है। तो ये मिशन कौन सा है, इस मिशन का नाम है हनी मिशन। और एक प्रोजेक्ट और है मधुमक्खियों का जिसको बोलते हैं प्लान बी। इसमें बेसिकली एलिफेंट जो हैं वो हम जो से वो होती है रेल की पटरी उसके पास ना आए, इसीलिए रेल की पटरी के पास मधुमक्खियों के छत्ते लगा दिए जाते हैं जिससे उनकी आवाज़ सुन के एलिफेंट वहां से भाग जाए, इसका नाम है प्लान बी। लॉरेंटिनो कॉर्टिजो, ये कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये बने हैं पनामा के नए राष्ट्रपति। कौन सी कंपनी ने अभी अभी एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है इलेक्शन गार्ड, ये जो वोटिंग होगी उसको सिक्योर करेगा और वेरीफाइबल बनाएगा, यानी इलेक्शन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाएगा। इलेक्शन गार्ड को लॉन्च करा है माइक्रोसॉफ्ट ने, और माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म को बोलते हैं अज्योर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO हैं सत्य नडेला। 2019 का वी के कृष्ण मेनन अवार्ड किसे मिला है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए, फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन जर्नलिज्म, और इन्हें ये मृत्योपरांत मिला है, मरने के बाद पोस्थ्यूमसली मिला है। इनका नाम है GD रॉबर्ट गोवेंडर। एक बात याद रखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो हाउसिंग लोन की लिमिट है वो बढ़ा दी है रीजनल रूरल बैंक्स के लिए और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया में है तो 35 लाख तक का लोन मिल सकता है, और अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो 25 लाख का मिल सकता है। ये दोनों लिमिट्स याद रखनी है आपको, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए ऐसा किया है। लास्ट सर्वाइविंग वाइट टाइगर, यानी आखिरी जो श्वेत बाघ था जिसकी डेथ हो गई संजय गांधी नेशनल पार्क में, उसका नाम क्या था,
18 साल की एज में इसकी डेथ हो गई, इसका नाम था बाजीराव। और संजय गांधी नेशनल पार्क ने रवीना टंडन को अपना एम्बेसडर बनाया था। कौन से राज्य की विधानसभा ने एक बिल पास करा है जिसमें दुकानों को और कंपनियों को 24/7 खुले रहने की परमिशन होगी? ये करा है गुजरात ने। गुजरात की सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट करी है पानी को जोड़ने के लिए, जिसका नाम है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। और पूर्णा प्रोजेक्ट भी गुजरात ने स्टार्ट करा था लड़कियों में अनीमिया को दूर करने के लिए, पूर्णा प्रोजेक्ट। वंदना ये नेपाली लड़की है जिसने लगातार 126 घंटे डांस करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था कलामंडलम हेमलता का, जिन्होंने लगभग 123 घंटे डांस किया था। फीमेल स्क्वॉश प्लेयर कौन है इंडिया की जिन्होंने एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली, एशियन चैंपियन बन गई? ये क्वालालंपुर में हुई थी। क्वालालंपुर मलेशिया की कैपिटल है और ये वर्ल्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर की गई है 2020 के लिए, और वर्ल्ड बुक कैपिटल 2019 के लिए है शारजा। इनका नाम है जोशना चिनप्पा, जोशना चिनप्पा। और भारत के एक स्क्वॉश खिलाड़ी है मेल जिनका नाम है सौरभ घोषाल, ये वर्ल्ड टॉप 10 में आने वाले पहले खिलाड़ी बने, वर्ल्ड टॉप 10। और भारत के एक खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस के जिनका नाम है जी सातियान, ये वर्ल्ड टॉप 25 में आने वाले पहले खिलाड़ी बने। और अपूर्वी चंडेला और बजरंग पुनिया ये दोनों वर्ल्ड नंबर 1 है इस वक्त। अपूर्वी चंडेला शूटर है और बजरंग पुनिया रेसलर है। G7 की मीटिंग कहाँ होगी 2019 में? G7 मीटिंग होगी इस बार फ्रांस में, जगह का नाम है बियारिट्स। यूनाइटेड किंगडम ये कौन से कंट्री के साथ मिलके एक जहाज बना रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा ये, इसका नाम है INS विशाल, इंडिया के साथ बना रहा है एक्चुअली। सो यूनाइटेड किंगडम और इंडिया मिलकर एक जहाज बनाएंगे INS विशाल। भारत ने चौथा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन उसको कमीशन किया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है INS वेला। ये चौथा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, इससे पहले जो 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है उनके नाम है कलवरी, करंज और खंडेरी, ठीक है, कलवरी, करंज और खंडेरी। और लास्ट ईयर भारत ने पहला न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन शुरू किया था, उसका नाम था INS अरिहंत। ये न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है। और एक है INS इम्फाल जो कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, उसका नाम है INS इम्फाल। स्टीवो पेंडोरस्की ये कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये देश है नॉर्थ मासाडोनिया, मासाडोनिया की राजधानी है स्कोपजे। इन्होंने लास्ट ईयर अपना नाम मैसेडोनिया से नॉर्थ मासाडोनिया चेंज कर लिया था और इस देश में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। इनमें से कौन से कंट्री ने अपना नया स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करा है, अंतरिक्षयान, जिसका नाम है कार्गो ड्रैगन? कार्गो ड्रैगन को लॉन्च करा है स्पेसएक्स ने, स्पेसएक्स के सीईओ हैं एलन मस्क। एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक इनमें से कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन सी लिपि है जो एक्सटिंक्ट होने वाली है, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन? यह है मोदी स्क्रिप्ट, मोदी स्क्रिप्ट। और एक बात याद रखिए, IIT मद्रास ने एक OCR सिस्टम डेवलप करा है भारत स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है, भारत स्क्रिप्ट, उसके लिए एक OCR सिस्टम डेवलप किया है IIT मद्रास ने। जीरो पेंडेंसी कोर्ट्स प्रोजेक्ट ये भारत के कौन से हाई कोर्ट का प्रोजेक्ट है? जीरो पेंडेंसी कोर्ट्स प्रोजेक्ट ये दिल्ली हाई कोर्ट का है, दिल्ली हाई कोर्ट। इनमें से 27वां PC चंदर पुरस्कार किसे मिला? ये मिला फेमस डॉक्टर कार्डियक सर्जन देवी प्रसाद शेट्टी को, जो नारायणा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के फाउंडर हैं। इनमें से इंडियन मेंस वॉलीबॉल टीम का नया हेड कोच कौन बना है, हमारी वॉलीबॉल टीम के कोच नए, इनका नाम है ड्रागान मिहालोविच। कौन सा पैनल है जिसने क्लीन चिट दे दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को सेक्सुअल हेरेसमेंट केस में? ये पैनल है एस ए बोबड़े पैनल। कौन सी कंट्री का $10 का नोट है या बिल है जिसे बेस्ट बैंक नोट डिक्लेयर करा गया है 2018 के लिए? दुनिया का सबसे अच्छा नोट है $10 का नोट, और ये है कनाडा का, कनाडा। कनाडा के मॉन्ट्रियल में दो चीजों का हेडक्वार्टर है, एक तो IATA और दूसरा WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और IATA। दुनिया का पहला क्रिप्टो पावर्ड सिटी कहां पे खुला है अभी? क्रिप्टो पावर्ड सिटी ये खुला है मलेशिया में, और सिटी है मलक्का सिटी, तो आंसर है मलेशिया। मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अनुष्का शर्मा और विराट कोहली, इससे पहले ये मान्यवर के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं दोनों। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जिन्होंने
अर्धशतक बनाया आईपीएल में, उनका नाम क्या है? इनका नाम है रियान पराग। रियान पराग राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। गेम चेंजर, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है जो लॉन्च हुई है अभी अभी? गेम चेंजर ऑटोबायोग्राफी है शाहिद अफरीदी की, पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहिद अफरीदी। एक बांध न्यूज में था क्योंकि यहां पे बोट पलट गई थी और काफी लोग मारे गए, मैफोडाम, और मैफोडाम है मणिपुर में। तो ये बस ये याद रख लो कि मैफोडाम कहां है, तो ये मणिपुर में। इसके अलावा एंटी नक्सल फोर्सेस, गढ़चिरौली में अटैक हुआ था महाराष्ट्र में, वहां पे एंटी नक्सल फोर्स जो काम कर रही है वो है C60। बस्तर में जो काम कर रही है वो है ब्लैक पैंथर। इसके अलावा एक और भी है बस्तर में जिसको बोलते हैं बस्तरिया बटालियन। और आंध्रा और तेलंगाना में एंटी नक्सल फोर्स जो काम करती है उसको बोलते हैं ग्रे हाउंड। और हरियाणा में एंटी टेररिस्ट फोर्स स्टार्ट हुई है अभी अभी जिसका नाम है कवच। भारत जो है वो 10 कोमोव 31 हेलीकॉप्टर खरीदेगा। ये कौन से देश से खरीदेगा? कमोव हेलीकॉप्टर हम खरीदेंगे रशिया से। इसरो जो है वो अपना सोलर प्रोब करेगा 2020 में सूर्य ग्रह पे, उसका नाम क्या है? इसका नाम है आदित्य L1। और नासा के सोलर प्रोब का नाम है पार्कर प्रोब। महावजीरा लॉन्गकॉर्न, ये कौन से देश के नए राजा बने हैं? ये बने हैं थाईलैंड के नए राजा। थाईलैंड से भारत एक युद्ध अभ्यास करता है जिसका नाम है मैत्री। कौन सा कंट्री है जो जिसने सबसे ज्यादा उधार लिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2018 में? $3 अरब ये लिया इंडिया ने। एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला में। भारत सरकार जो है उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनको कौन से कलर की नंबर प्लेट होनी चाहिए। ये ग्रीन कलर की नंबर प्लेट होनी चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। विप्रो जो कंपनी है भारत की, विप्रो ने एक कंपनी को खरीद लिया जिसका नाम है स्प्लैश। ये स्प्लैश कौन से कंट्री की कंपनी है? स्प्लैश है फिलीपींस की। अभी अभी एक डाक टिकट जारी हुई श्री वेदांत देसिकान, इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर जारी हुई है? ये है इनकी 750वीं बर्थ एनिवर्सरी। ग्रेट फिलोसोफर थे ये श्री वेदांत देसिकान। इनमें से फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलिये किसे मिला है? शेवेलिये मिला है AS किरण कुमार को, ये इसरो के पूर्व चेयरमैन है। भारत जो है वो अपनी कौन सी सैटेलाइट लॉन्च करेगा मई के एंड में? ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट का नाम है रीसेट 2BR1। और इसको लेके जो रॉकेट उड़ेगा वो है PSLV C-46। एक चीज और याद रखिए, भारत की सबसे भारी सैटेलाइट है GSAT-11, सबसे हैवी, और सबसे हैवी रॉकेट है GSLV MK-3। भारत और चीन के बीच व्यापार अभी अभी कहां शुरू हुआ है? तीन जगह पे व्यापार होता है, नथुला जो सिक्किम में है, और इसके अलावा शिपकिला जो हिमाचल प्रदेश में है। शिपकिला से ही सतलुज नदी इंडिया में एंटर करती है। और तीसरा है लिपु लेक जो उत्तराखंड में है। तो अभी अभी जो स्टार्ट हुआ है वो नथुला पास पे हुआ है सिक्किम में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये कब मनाया जाएगा, कब मनाया गया? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है ये 3 मई को सेलिब्रेट किया गया। इनमें से कौन सा इंडिया का शिप है जो हमने डीकमीशन कर दिया है, हम इससे काम लेना बंद कर दिया है, सेवानिवृत्त कर दिया है 36 साल के बाद? इसका नाम है INS रंजीत। कौन से भारत के पहलवान है जिन्होंने अली अय्यब रेसलिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता? अगेन ये है वर्ल्ड नंबर 1 बजरंग पुनिया, 65 किलोग्राम कैटेगरी में लड़ते हैं ये। और ये पहले भारत के रेसलर हैं जिन्हें मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क में इन्वाइट किया गया है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क। अभी अभी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी चाइना में, वहां पे मेडल जीतने वाले भारत को एक ही गोल्ड मेडल मिला, वो भी जीता था बजरंग पुनिया ने। अभी साइक्लोन फानी आया, तो फानी नाम किसने सजेस्ट किया था? द वर्ड फानी ये सजेस्ट किया था बांग्लादेश ने। इनमें से कौन से शहर की जो पुलिस है उसने एक महिलाओं की टुकड़ी लॉन्च करी है जिसका नाम है रानी अबक्का फोर्स? रानी अबक्का फोर्स जो है मैंगलुरु में लॉन्च की गई है कर्नाटक में। एक बात याद रखिए, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है वहां पे एक पुलिस फोर्स लॉन्च की गई है महिलाओं की जिसका नाम है ज्योति बाहिनी। और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन आसाम में जो है ये पहला रेलवे स्टेशन है इंडिया का जो पूरी तरह से सोलर पावर से लिट है। और ये पहला रेलवे स्टेशन है जिसे ISO सर्टिफिकेशन मिला है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से। कौन सी कंपनी है जो पहली कंपनी बनी जिसने भारत फाइबर शुरू करा है पुलवामा में? हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस जिसका नाम है भारत फाइबर, इसको स्टार्ट करा है BSNL ने। BSNL की ब्रांड एम्बेसडर है मैरीकॉम, और मैरीकॉम ट्राइब्स इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर भी है। CPWD ने एक 10 मेंबर की कमेटी बनाई है सेफ्टी मैनुअल को लॉन्च करने के लिए, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसके हेड कौन होंगे? इसके हेड होंगे KM सोनी। वरुण युद्ध अभ्यास कौन से दो देशों के बीच में हुआ? एक तो इंडिया, दूसरा कौन सा है? दूसरा है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है जहां पे 2024 के समर ओलंपिक्स होंगे।
बी सुभाष रेड्डी का निधन हो गया, ये कौन से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे? ये थे मद्रास हाईकोर्ट के, मद्रास हाईकोर्ट। कौन सा कंट्री है जो भारत जिसे सबसे ज्यादा तेल खरीदता है? दो साल लगातार भारत ने 20% से ज्यादा तेल खरीदा है अपनी रिक्वायरमेंट का इस कंट्री से, यह है इराक, इराक। और ईरान से हमने तेल खरीदना बंद कर दिया है। जापान के नए राजा बने हैं नारुहितो, इन्होंने क्राइसेंथिमम थ्रोन को असेंड किया, यानी जो गद्दी है वहां की राजगद्दी उसे बोलते हैं क्राइसेंथिमम थ्रोन। तो नया युग स्टार्ट हो गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रीवा, और जो पुराना खत्म हुआ है उसका नाम था हीसई। पुराने राजा थे अकिहितो। कौन सा कंट्री है जिसने एक नया सॉवरन इंटरनेट बिल शुरू कराया? सॉवरन इंटरनेट बिल का मतलब यह है कि वो अपना जो इंटरनेट है वो पूरी दुनिया से अलग कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे। ये कराया रशिया ने, ये सॉवरन इंटरनेट बिल लेके आए हैं, और इसकी वजह से ये अपने कंट्री का इंटरनेट पूरी दुनिया से आइसोलेट कर देंगे। रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। पहले नॉन ब्रिटिश व्यक्ति कौन है जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट बने? इनका नाम है कुमार संगकारा, और ये श्रीलंका के एक बैट्समैन थे, विकेटकीपर भी थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उन्होंने अपना पहला महिला निर्देशक किसे बनाया है? इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर, इनका नाम क्या है? इनका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपको बता दूं, ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का, इनका नाम है जयश्री व्यास। और याद रखिए, पाकिस्तान ने पुलवामा में हमला किया तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी बालाकोट में, फिर पाकिस्तान ने पलटवार किया, तो पाकिस्तान ने जो इंडिया पे पलटवार किया उसका नाम रखा है इन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। और जैश ए मोहम्मद के जो चीफ है मसूद अजहर, ये ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा। कौन से दो राज्य हैं जिन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया फाउंडेशन डे 1 मई को? ये दो हैं गुजरात और महाराष्ट्र, इनका फाउंडेशन डे होता है 1 मई। सिपरी की रिपोर्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो स्टॉकहोम में है स्वीडन की कैपिटल में। भारत कौन से नंबर पे था हथियार खरीदने के मामले में 2018 में? मिलिट्री स्पेंडिंग में, मिलिट्री स्पेंडिंग में इंडिया था चौथे नंबर पे, फोर्थ। भारत से ऊपर तीन कंट्री हैं, अमेरिका, चाइना और सऊदी अरेबिया। कौन सी कंपनी है जिसने म्यूजिक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म शुरू करा है जिसका नाम है विंक ट्यूब? विंक ट्यूब को स्टार्ट करा है एयरटेल ने, एयरटेल। इनमें से पहला इंडियन खिलाड़ी कौन बना टेबल टेनिस का जो वर्ल्ड टॉप 25 में आया है? वर्ल्ड टॉप 25 में आया है जी सातियान। कौन सा कंट्री है जिसने लेफ्टिनेंट जनरल जैक फर्ज राफेल, इनको सम्मानित किया है? ये 1971 जो पाकिस्तान के खिलाफ वॉर हुई थी उसके हीरो थे। ये कंट्री है इसराइल। इसराइल अभी अभी FATF का मेंबर बना है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हमारी जो केंद्र सरकार है, जो हमारा एनवायरमेंट मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय, उन्होंने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बनाया है। इसके तहत हम जो PM 2.5 और PM 10, जिन्हें बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर, उनको कम करेंगे 20-30% हवा में, कम से कम भारत के 102 शहरों में, कौन से साल तक? इसकी डेडलाइन है 2024। पर्यावरण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। हमारी इंडियन फोर्स के वाइस चीफ कौन बने हैं? वाइस चीफ बने हैं राकेश कुमार भदौरिया। और हमारी इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, उनका नाम आप कमेंट्स में लिख के बताइए, हमारी इंडियन फोर्स के चीफ कौन है? नेवी के हैं करमबीर सिंह। भारत के दो जहाज INS कोलकाता और INS शक्ति, ये अभी अभी एक मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्ट लेने गए थे, ADMM+, कहाँ हुई थी? ये गए थे साउथ कोरिया में, जगह का नाम है बुसान। और यही दोनों जहाज गए थे चाइना नेवी की 70th एनिवर्सरी में। इंडियन आर्मी ने कौन सा एक माइथिकल क्रीचर है जिसके फुटप्रिंट देखे अभी, इसको बोलते हैं येटी। ये किताब किसने लिखी है? पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, द कोलिशन हैंडबुक, ये लिखा है किताब सबा नकवी ने। एक किताब और अभी पब्लिश हुई है, चेकर्ड ब्रिलियंस, द मैनी लाइव्स ऑफ वीके कृष्ण मेनन, यानी वीके कृष्ण मेनन की जीवनी, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है जयराम रमेश ने। कौन से IIT के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक OCR सिस्टम बनाया है भारतीय स्क्रिप्ट के लिए? ये बनाया है IIT मद्रास ने, और इनके माइक्रो प्रोसेसर का नाम है शक्ति, और IIT बॉम्बे के माइक्रो प्रोसेसर का नाम है अजीत। बेरूत ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज्यादा झंडे फहराए, ठीक है, इन्होंने 25,000 से ज्यादा झंडे एक साथ फहराए। ये बेरूत किसकी कैपिटल है? बेरूत है लेबनन की कैपिटल। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? आयुष्मान भारत दिवस जो है ये 30 अप्रैल को मनाया गया, क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत की जो है वो शुरुआत की थी, तो आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया। इंडियन आर्मी ये स्पाइक LR एंटी टैंक मिसाइल खरीदेगी कौन से देश से? ये देश है इसराइल, इसराइल से खरीदेंगे हम स्पाइक LR एंटी टैंक मिसाइल। सो ये था हमारा वीडियो,
मे के फर्स्ट 15 डेज के बेस्ट 100 क्वेश्चंस। वैसे टोटल क्वेश्चन मैंने 130 कराए हैं अगर आपने काउंट किए हैं तो, क्योंकि मैं कोई चांस लेना नहीं चाहता था। इसके अलावा मेरे डेली वीडियोस देखिए, उसके बाद आपको ये देखना है तो आप काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। मेरे को लगता है जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो तो इसमें 100% स्कोर उन्होंने स्कोर किया होगा। ये बेसिकली एक रिविजन वीडियो होता है, इसलिए इसमें काफ़ी जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चंस भगाता हूँ जिससे आप रिवाइज कर सकें। एग्जाम से पहले अगर आप इस वीडियो को देख के चले जाएंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। 1,500,000 बच्चे इस वीडियो को देखते हैं हर महीने। और मैं आपको बता दूं, StudyIQ के पेनड्राइव कोर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन ये पेड कोर्सेज हैं, इनसे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। पूरा सिलेबस वीडियोस के रूप में फिनिश किया है और इन्हें आप लैपटॉप मोबाइल फ़ोन पे भी चला सकते हैं। एंड्रॉयड कोर्स, टैबलेट कोर्स, कई तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें studyiq.com, या दिए हुए 2 नंबर पर डायल कर सकते हैं जो यहाँ पर मैंशन है। तो मिलते हैं फिर, और अगर आप मुझे फेसबुक या सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं डॉक्टर गौरव गर्ग, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी है टायरलेस सोल। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।